हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। आज के दिन की फीलिंग मत पूछिए, कितनी खुशी है हमारा देश आज के दिन आजाद हुआ है। नमस्कार, आप स्टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और अभी हम पटना के तारा मंडल के पास, और यहाँ पे तमाम लोग जो आप देख रहे हैं वो 15 अगस्त की छुट्टियां मनाने आए हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे, उनके जानेंगे कि आज उनका दिन कैसा रहा और उन्होंने 15 अगस्त किस हिसाब से मनाया है, तो बात करेंगे। भाई साहब, कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा रहा। हम लोग बेगूसराय से आए हुए हैं। बेगूसराय से यहाँ आए हैं घूमने के लिए? नहीं, मेरा एग्जाम चल रहा है GNM, तो 12 से लेकर 16 तक, तो एक दिन छुट्टी थी आज 15 अगस्त को लेकर। क्या फीलिंग्स है 15 अगस्त को लेकर दिल में? बहुत खुश हैं। और देश के लिए क्या कर गुजरने की चाहत आ जाती है मन में? चाहत तो बहुत कुछ होती है, बट हम इसीलिए ना मेडिकल लाइन को चूज किए जिससे कि हम देश को कुछ दे सके। गाना वाना गाना पसंद करते हैं क्या? नहीं, गाना अरे देशभक्ति के लिए कोई धुन नहीं चाहिए, बस दिल से जो गाना निकल जाए, हो गया, कुछ भी दो लाइन। ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलिए, ये अब इनके शब्दों पे जाइए, इनके भावनाओं को समझिए, ये गाना का धुन मत पकड़िए और समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। और भाई साहब, कैसा रहा आपका दिन आज का? बहुत बढ़िया रहा, सुबह से घूम रहे हैं। और कैसे सेलिब्रेट किए आज? सबको, फैमिली को घुमा रहे हैं चारों तरफ, बढ़िया सेलिब्रेट के साथ। आज छुट्टी पूरा एंजॉय किए? आप पूरा एंजॉय किए। और कैसे आते हैं, मतलब आज की फीलिंग्स कैसी होती है 15 अगस्त को लेकर? आज का माहौल तो सबसे देख चार तरफ देख ही रहा है, सब जोश उमंग से भरे हुए हैं, सब तिरंगा फहरा रहे हैं, जोश देश के देश में डूबे हुए हैं जिसमें। जब भी 15 अगस्त आता है तो कुछ ना कुछ मन में एक लोग गीत गुनगुना लेते हैं, आपके मन में कौन सा गीत आता है कि हाँ ये देशभक्ति गीत हो सकती है, वो दो लाइन गुनगुना सकते हैं आप? कुछ ना कुछ तो आता होगा, ये पक्का है, हर एक देशभक्त के दिल में एक वो गाना गूंजता है, कोई भी एक गाना हो देशभक्ति वाला। हमको देखिए गाना बड़ा याद आता है, जैसे ये है मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, कैसा रहा आपका दिन आज का? अच्छा है। अच्छा है। कैसे देशभक्ति को कैसे देखते हैं, मतलब दिल में कैसी फीलिंग्स आती हैं देश को लेके, आजादी को लेके? अच्छा। कोई तो गाना भी आता होगा मन में, सब कुछ आता है, गाना आता है, फीलिंग्स आती है, तो गाने भी आते होंगे देशभक्ति, कोई भी एक दो लाइन गुनगुना सकते हैं आप? नहीं, धुन नहीं, ऐसा नहीं सुनना, कैसी भी तरह से गा दीजिए, वो फीलिंग्स दिख ही जाती है। आप कुछ भी गुनगुनाएंगे यहाँ लगेगा कि हाँ देश के लिए आप कुछ गा रहे हैं। मुझे नहीं है। अच्छा, आप गा सकते हैं, कोई तो गाना होगा, आप चल आप गाइए, आपके साथ हम भी गुनगुना देंगे, लेकिन आप गाइए, कुछ गाइए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके पास तेरी सार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन। तो देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं है, आपको हर एक जगह दिख जाएंगे वो लोग जो देश सेवा में तत्पर रहते हैं। और एक अंकल है, उनसे बात करेंगे, कैसा आज का दिन आपका, कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया रहा। और कैसे सेलिब्रेट किया आज? बहुत बढ़िया सेलिब्रेट किए, सबसे पहले ऑफिस में सेलिब्रेट करके आए हम इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद फैमिली के साथ एंजॉय किए, अब घूमने आ गए और अभी घूमने आए, अकेले घूमने आए हैं। बिल्कुल, मतलब कि सेल्फ ऑब्सेशन में अकेले घूमने मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो देशभक्ति का कुछ ना कुछ गाना तो आप गुनगुनाते ही होंगे? बिल्कुल, तो सब गुनगुनाते हैं, तो दो लाइन गुनगुना दीजिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे, कुछ भाई साहब आ रहे हैं, बताइए भाई साहब कैसा रहा आपका दिन आज का, कैसा रहा? नहीं बताइए, रुक जाइए, आज देश आज़ादी का दिन है, कुछ बताइए कैसा रहा दिन आपका? बहुत बढ़िया रहा। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्क में घूम के या और भी कुछ किए हैं? पार्क में घूम कर, हम लोग स्टूडेंट है, आज छुट्टी था, तो हम लोग घूम कर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कैसे दिल में कैसी फीलिंग्स हैं? दिल में बहुत अच्छा फीलिंग है, देश देश के लिए फीलिंग्स हैं।
कुछ भी गुनगुना दीजिए आप, कुछ भी बोल रहा, कुछ भी गुनगुना दीजिए गाना। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। बंदे बताइए सर, कैसा फीलिंग्स है आज आपका? फीलिंग तो बहुत अच्छा है। और देश के लिए कुछ क्या कर गुजरने की चाहत है मन में? देश हमारा जो है सो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन कुछ कुछ निके बच्चे हम लोग जो है सो गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं, अभी भी हमारे लोग को जो है सो इतना दिक्कत है कि पटना जो है सो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से मतलब हम लोग बिलोंग करते हैं, खगड़िया के और जो गाँव में जो हम लोग बिलोंग करते हैं तो खगड़िया से पटना मात्र 3 से 4 घंटे में आते हैं, लेकिन हम लोग जिस गाँव से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी जो स्थिति ऐसा है के आदमी को लगा कि जो अभी भी हम लोग के ये गुलामी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपके हिसाब से अभी भी पूर्ण रूपेण आज़ादी नहीं मिली? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक आदमी के अंदर जो निगेटिविटी है और जो सरकार के अंदर जो आदमी जो है सो उसके अंदर जो जो व्यवस्था है सो उस सब अभी पूरी तरीके से नहीं मिला है, लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं अभी हम फिलहाल राजेंद्र नगर में रहते हैं, वहाँ पर जैसे देखे कि रोड जो टूटा है सो 1 से 2 दिन में कम्प्लीट हो गया है। चलिए तो लेकिन जो हमारे एरिया में सिर्फ एक ऐसा है कि छोटा मोटा दुकान भी बहुत बढ़िया लेवल में काम कर रहा है, पर हम लोग को तरह जो कारोबार है वो भी ठप है। तो एक भाई साहब हमको मिले हैं, कैसे आज सेलिब्रेट किए हैं आप? जी आज कैसे सेलिब्रेट किए हैं 15 अगस्त? माशाल्लाह हम लोग का 15 अगस्त बहुत अच्छा रहा। ठीक है, और ये आज़ादी का दिन है और खुशी का दिन भी है, और हम लोग को चाहिए कि आपस में सब आदमी साथ में मिलजुल कर रहे, ये बहुत खुशी की बात। ऐसी फीलिंग्स होती हैं आज के दिन के लिए? आज के दिन की फीलिंग मत पूछिए, कितनी खुशी है हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ है, मेरा दिल कितना बाग बाग है, मैं कैसे आज़ाद बताया करूँ। हर एक देशभक्त या हर एक भारतीय के दिल में एक गाना तो जरूर गुनगुनाता होगा, मन ही मन वो गाना गुनगुना सकते हैं कि आपके मन में कोई ना कोई गाना जरूर होगा? जी गाना तो मैं नात गुनगुना सकता हूँ। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधे पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधे पे सिख के हाथ रहते हैं, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, सुनो ये सारे मुल्कों का यही तराना है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। चलिए इनके गाने का साफ मतलब था कि हम जब एक हैं, हम एक साथ रहेंगे तो हमको कोई नहीं मिटा सकता है, और ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा है, ये हम सबका है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और बाकी आपका 15 अगस्त कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें सच टॉक न्यूज़।